हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आंगनवाड़ी की तरफ से फिर से बहुत सारे वैकेंसीज लेके ऑफिशियली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आंगनवाड़ी की तरफ से ऑफिशियली इस बार की रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र या और भी बहुत सारे पोस्ट वाइज जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो 10th और 12th पास करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बेसिकली इस बार जो है यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आने वाला है, तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो इसको आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिया गया है, एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की अपडेट। पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। आंगनबाड़ी की तरफ से 40,000 वैकेंसीज लेके इस बार ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। आंगनबाड़ी की तरफ से ऑनलाइन में एप्लीकेशन शुरू होने वाला है जुलाई से, एंड जिसका लास्ट डेट है अगस्त में। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। आंगनबाड़ी एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट को जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो है यहाँ पे 18 से 45 ईयर्स। तो यहाँ पे 18 से 45 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही आपको सुविधा मिलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी की अगर बात किया जाए 4,000 से 18,000 तक पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आंगनवाड़ी के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए आंगनवाड़ी के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए साथ साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, आपको एक रिटन टेस्ट यहाँ पे लिया जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन करने के तरीका भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।